आज़र बहुत बदल गए हैं जी। बदल गए हैं? क्या मतलब? मतलब अब उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करते। और तुम बहाने बहाने से उनसे बात करने की कोशिश करती होगी, है ना? जाहिर है, और क्या करूं मैं? देखो शफक, मैं तुम्हें बहुत फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ, तुम भी इग्नोर करो, बात ना करो उससे। नहीं आंटी, इस तरह तो मसला और बिगड़ जाएगा। शफक, तुम्हारी भी कोई इज्जत है या नहीं? देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, अगर वो तुम्हें तवज्जो नहीं दे रहा ना, तो तुम भी उसे अकड़ दिखाओ। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये खाने माने भी पकाना छोड़ दो, बस तुम बात ना करो। ये जो मर्द होते हैं ना, ये होते ही ऐसे, जरा सी लिफ्ट करवा दो ये नखरे दिखाने लग जाते हैं, समझी? मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं आज़र ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहा ना मेरी जान, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अंजी, आफताब भाई घर पे हैं? नहीं, वो तो 2-4 दिन के लिए बाहर गए हुए। क्यों? तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, तुम जानती हो ना, तुम मेरे पास होती हो तो मेरा दिल बहल जाता है। शफक, वो क्या है, आफताब की रिश्ते की बहन आई है घर, तो मैं तो घर से बाहर नहीं जा सकती ना। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, जैसा मैंने कहा है ना, तुम बिल्कुल वैसा करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात होती है, ठीक है, खुदा हाफिज। हाय बेचारी, जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करना, ओके? मैं आज़र को लिफ्ट ना कराऊं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी चाय भाई। लाओ भाई लाओ। वो तो देसी घी लेने गई हैं आप। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। और बच्चे कैसे? क्या हो गया आफ्ताब, अभी 2 रोज ही तो हुए तुम्हें यहाँ से गए, अब 2 रोज में बच्चे और मुझे क्या ऐसा हो जाना है? ठीक ही तो हैं। अभी तक नाराज हो ना? आफ्ताब, जिस चीज के लिए फोन किया वो कहो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ये बताने के लिए कि मुझे 2 रोज मजीद और लगेंगे, ऑफिस का काम कुछ ज्यादा है तो रुकना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, बंटू याद कर रहा था। पर कोई बात नहीं, बच्चा है, बहल जाएगा, लेकिन तुम अपना काम मुकम्मल करके ही आना। चलो ठीक है, वैसे जरा मेरी बात करा देना बंटू से प्लीज। पड़ोस में गया हुआ है, जैसे ही आएगा मैं तुम्हारी बात करवा दूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। दिन बुआ, ओ बुआ। जी बेगम साहिबा। सुना भी, मैं एक जोड़ा निकाल के देती हूँ, मुझे जल्दी से इस्त्री कर दो। मैं तो खाना बना रही हूँ। हाँ तो ठीक है, नया जोड़ा है वैसे भी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा इस्त्री करना है। आप कहीं जा रही हैं? जाहिर है, तभी तो जोड़ा इस्त्री करने के लिए कह रही हूँ। उन्नी साहब के साथ? हाँ, कजन है वो मेरे, मेरी दोस्त के शौहर भी। अब तुम जाओ अपना खाना देखो,
और जैसे ही जोड़ा निकाल दूं उसे इस्त्री कर दूं, ठीक है? ठीक है। बेगम साहिबा, मैंने काम सब खत्म कर लिया है, अब मैं जाऊँ? जी ठीक है, आप जाएं। वैसे भी मुझे कुछ ग्रोसरी करने जाना है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही है? शायद बिजी होगी। चलो अच्छा है, सरप्राइज रहेगा। अरे अम्मा। हेलो अम्मा, कैसी हो? जीती रान जी, कैसी है? अब बच्चे कैसे हैं? मेरा दामाद कैसा है? बच्चे भी ठीक हैं। और आपका दामाद भी हट्टा कट्टा है। ऐसे नहीं कहते, नजर लगती है। बस बस रहने दो अम्मा, इतनी मोटी खाल है उसकी, उसे किसकी नजर लगेगी। अच्छा सुनन जी, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि अपनी लुबना है ना, उसकी बात पक्की हो गई है। अच्छा चलो शुक्र है, वरना माशाल्लाह से मेरी बहन इतनी हसीन है कि मुझे तो लगा था उसका रिश्ता कभी होगा ही नहीं। पर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, बस लड़के वाले जरा जल्दी शादी करने का कह रहे हैं। सब देखभाल तो लिया ना? हाँ देखभाल लिया, मगर लड़की वालों को और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तुम्हें तो पता है जहेज ये वो, भाई पैसे चाहिए होते या नहीं चाहिए होते? हाँ वो तो है। अब वो अंजी मैं कह रही थी बेटा, अगर तू मेरी मदद कर दे, देखना भाई आफताब माशाल्लाह इतना बड़ा आदमी है, अगर 1.5-2 लाख रुपए की मदद कर देगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा और हमारा काम अच्छे से हो सकता है। आप आफताब की बात कर रही है ना? अम्मा क्या हो गया, यहाँ तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते, वो किसी को क्या देगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो बहुत मान से फोन किया था। अच्छा मायूस ना हो, करती हूँ मैं कुछ बंदोबस्त। अच्छा मैं उम्मीद रखूँ क्या? सिर्फ उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद रखो। अच्छा अरे शुक्रिया मेरा बच्चा, मुझे पता था तुम लोग मेरी बात नहीं टालोगे, मैंने बहुत मान से बहुत उम्मीद से फोन किया था तुम्हें। अच्छा अच्छा अम्मा, अच्छा सुनो अब मैं काम मुकम्मल करके ही फोन करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज़िर मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। तो रिश्ता पक्का हो गया? मेरा ख्याल है कि रुखसती जल्द अज जल्द कर जानी चाहिए। अच्छा है ना ये रुखसत होगी, घर से शोर तो कम होगा थोड़ा। शोर? मैं कब शोर डालती हूँ?
ये बात अलग है कि आप लोग मेरे कमरे पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, मैं जाते जाते इतना बड़ा ताला लगा के जाऊंगी और चाबी भी साथ लेके जाऊंगी ससुराल, फिर जाइएगा मेरे कमरे में। सुन रही अपनी बहन की बातें? बिल्कुल सुन रही, और ये भी जानती हूँ कि इसकी एक नहीं चलने वाली यहाँ। अच्छा चल, ये टाइम मत जाया कर अपना, जाके चल में कोई चूल्हा हांडी जाके कर। जाती हूँ ना अम्मा, थोड़ी देर तो बैठ जाने दो। अच्छा भाई, एक है खबर खुशी की। मैंने वो अंजी से कहा था पैसों के लिए, उसने क्या कहा है? उसने कहा है अम्मा फिकर ना करो, पैसों का बंदोबस्त बहुत जल्दी हो जाएगा। अम्मा ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, अब हम ना सारी चीजों की लिस्ट बना लेते, जैसी अंजी हमें पैसे भिजवाएगी हम खरीदारी शुरू कर देंगे। अम्मा अब मुझे वो सोने की बालियां पे बनवा देना। हाँ हाँ सब हो जाएगा, लेकिन तू जा, जाके किचन संभाल। अरे तारी पता नहीं कहाँ चला गया है कम्बक, एक चाय की पत्ती मंगवाई थी, कम्बक पलट के वापस नहीं आया। कोई बात नहीं खाला, मैं ले आता हूँ, और अगर कुछ और भी चाहिए तो वो भी लेता हूँ। चॉकलेट? बच्चों की तरह बोलती है। बेटा मैं खुद पैसे लेके आती हूँ। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही है खाला, इस घर पे मेरा भी हक है, मैं लेता आता हूँ, और तुम्हारी चॉकलेट भी आ जाएगी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दामाद मुझे बहुत अच्छे दिए, शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है। अरे पंटू इतनी जल्दी आ गए, अभी और खेलना था ना। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो मैंने कहाँ जाना है। बुआ बुआ एक काम करो, राबिया भाभी के घर बंटू और मुन्नी दोनों को ले जाओ, और उनसे कहना कि अंजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर की तरफ जा रही है, बस थोड़ी देर के लिए बच्चों का ख्याल रख लो। ठीक है बीबी जी। और सुनो जी, तुम भी राबिया भाभी की तरफ ठहर जाना, अब भाभी बंटू को देखेंगी या मुन्नी को, और मैं वापस आके कॉल कर दूंगी। बीबी जी मैं घर पर ही बच्चों के साथ रह लेती हूँ। अरे शफक आ रही है ना, अब उसकी गाड़ी देख के बच्चे भी फिर जिद करेंगे कि हमें भी लेके जाओ, अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि सब लोग उठ के डॉक्टर के पास पहुंच गए, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम बच्चों को लेकर राबिया भाभी की तरफ चली जाओ। ठीक है ले जाती हूँ। हाँ आज़िर, कब तक आ रहे हो? चलो ठीक है मैं इंतजार करूँ। देखो बंटू मुझे तंग नहीं करना, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं मुन्नी को संभालूंगी या तुम्हें देखूंगी, ठीक है ना बेटा, अच्छे बच्चे हो। अच्छा तो इसलिए मुझे और बच्चों को राबिया बाजी के घर भेजा गया है। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। सच बताओ अगर ये ड्रेस शफक पहनती तो क्या वो भी इतनी अच्छी लगती? अरे बाबा ये ड्रेस तो बनाई तुम्हारे लिए। चले चल। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत तो है, ये तो आपके ऑफिस का टाइम है ना? खैरियत ना होती तो फिर मैं भलाई ने यहाँ क्यों बुलाती, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ये अभी मुझे डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहे हूँ।
क्या हुआ, तुम बैठो, खड़ी क्यों हो फिर? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? यार मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। शफक, आफ्ताब भी शहर में नहीं है, ये तो अच्छा हुआ आज़र यहाँ थे। 100 काम होते हैं मेरे घर में देखने के लिए और मैं अकेली जान, क्या क्या देखूं? अब मैं बीमार ना होती तो क्या करती? ठीक कह रही हो तुम। अंजी तुम मेरे घर चलो ना, मेरे साथ रहना जब तक आफ्ताब भाई नहीं आ जाते। अरे शफक नहीं यार, मैं अपना घर छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ऐसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे घर पे रहोगे तो सही है ना? मैं तुम्हारी पैकिंग करती हूँ, ठीक है? अरे नहीं, चुप करो, बस फैसला हो गया है। इसे तो रोके। ऐसी रोक दो। अच्छा है, कुछ दिन मेरी नजरों के पास रहोगी। साथ कहाँ, दूर रहूंगी मैं तो। शफक की वजह से हम तो एक दूसरे को आंख उठा के भी नहीं देख पाएंगे। कि आपके सर पर हर वक्त मंडलाएगी, कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं तो सचमुच बीमार हो जाऊंगी। प्लीज ना। अंजी ये कपड़े। थैंक यू सो मच। शफक मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें जो समझ में आ रहा है तुम देख लो खुद से। फिर मैं उठी हूँ, इन्होंने ही सहारा दिया, चला भी नहीं जा रहा मुझसे, बहुत दर्द हो रही है। हाँ वैसे भी अंजी ने बच्चों को अजीजों के घर भेज दिया, आई थिंक इसको घर पे ही रेस्ट करना चाहिए। अंजी तुम रेस्ट करो, फिर हम बाद में मुलाकात करते हैं, ओके? ठीक है, ये मुझे दे दो। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय। सर मेरा दिल चाह रहा था मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं। तुम भी अजीब औरत हो वैसे, जब जानती हो कि अंजी की तबीयत खराब है, उसको रेस्ट की जरूरत है, तो वहां पे आने की क्या जरूरत थी? आप कब आए थे वहां पे? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इन्फॉर्म किए बगैर वहां पे क्यों आई? आज़र मुझे मार्ट जाना था, किचन का सारा सामान खत्म हो गया, आप रोजाना इतनी लेट आते हैं। अच्छा तो किचन का सामान लेते लेते तुम वहाँ उसके घर तक पहुँच गए? भाई उसकी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा जब मैं बाहर जा ही रही हूँ उसे देख आती हूँ। अच्छा एक बात बता, ये जो इतना महंगा फोन दिला के दिया है मैंने, तो अगर इसको इस्तेमाल नहीं करना तो उठा के बाहर फेंक दो इसे। आज़र क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा तो मैं कर रहा हूँ, पागल हूँ मैं, खामखा बकवास कर रहा हूँ, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपको। देखो शफक, आजकल के हालात ऐसे नहीं है कि जब मुंह उठाए और बाहर निकले। अगर कहीं जाना ही होता है तो मुझे एक दफा कॉल कर दिया कर, ओके? I'm sorry, आइंदा ऐसा नहीं होगा। It's okay. आज तो बाल बाल बच गए। इतना डरते हो बीवी से? नहीं यार डरना कैसा, लेकिन फिलहाल उसको सब कुछ बता भी तो नहीं सकते। चुप चुप के मिलते रहेंगे। आज हम लोग कितने दिनों बाद एक साथ खाना खा रहे हैं ना? हाँ? हाँ। काफी टाइम हो गया ना? चलो भाई।
वेरी गुड, बहुत मजे के। तुमने खुद बनाया? जाहिर है, और कौन बनाएगा। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आज़िर, बस एक छोटी सी परेशानी है। समझ में नहीं आ रहा आपसे बात करूं या ना करूं। बोलो क्या बात है। आज़िर, वो मेरी माँ को 2 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है। अच्छा, अरे इसमें रोने की क्या बात है? तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मुझे कितना तकलीफ देते हैं। दिल पर गिरते हैं। चलो एक काम, अपनी अम्मी को फोन करो और उनसे कहो कि पैसों का बंदोबस्त हो गया। थैंक यू आज़िर। अरे दोस्तों में थैंक यू थोड़ी चलता है। जो कुछ मेरा वो तुम्हारा भी तो। बेटा जाग जाए। मैंने बाहर जाना है, मुझे नहीं पता मैंने बाहर क्या शोर डाला है तुम लोगों ने। चुप नहीं हो आ जाता तुमसे, और 3 बार आके पहले मना कर चुकी हूँ। अब बोला ना तुझे मारूंगी आके। बेगम साहिबा खाना लगा दूं। क्या पकाया है? करेले। तौबा, ये करेले, टींडे, मटर, आलू, बस यही रह गए मेरे खाने के लिए। आप कहें तो ऑमलेट बना दूं। अब इस वक्त मैं ऑमलेट खाऊंगी? कहाँ फंस गई हूँ मैं? जाओ, नहीं खाना मैंने। मुझसे यहाँ मेरी बुरी हालत हो रही है और तुम कभी कुछ अच्छा ना पकाना। मामा मुझे भी खाना खाना है। तुम मुझे खा लो, जान का अज़ाब। मुसीबत दे फोन इधर, डिलीवर करवाना पड़ेगा। शफक, एक ग्लास पानी ला दो प्लीज। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप शायद आज़िर बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं हसन बात कर रहा हूँ, शफक का कजिन। शफक से बात हो सकती है क्या? जी नहीं, अभी बिजी है, वो बात नहीं हो सकती। अच्छा चलिए, आप शफक को बता दीजिएगा कि हसन की कॉल थी, वो खुद ही मुझे कॉल बैक कर देगी। उसको बता दीजिएगा कि मैं कराची आया हूँ। खुदा हाफिज़। फोन आया था तुम्हारे लिए। अच्छा,
किसका फोन था? कराची से फोन आया। घर से फोन आया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बात कर लेती। हसन का फोन था। हसन भाई का फोन था? लेकिन वो तो जर्मनी में होते हैं। हाँ, कह रहा था कि पाकिस्तान आया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको फोन करती हूँ। एक काम करना, मुझे एक कप चाय ला दो प्लीज। बना देती हूँ, दो मिनट फोन पे बात कर लूँ। सुना नहीं तुमने, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ जाके चाय लेके आ। जी। और सुनो, खाने के लिए क्या बनाया? डिनर में तो बहुत टाइम है हाजिर अभी। यानी कि आज फिर खाना लेट बनेगा? जाओ जाके खाने की तैयारी करो। चाय बना के लाऊं क्या? नहीं, तुम बैठो, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। क्यों नहीं, मैं बना के ले आती हूँ। अभी अब मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन ये मेरा वादा है, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं। नहीं, रहने देना। अरे बैठो ना तुम। हसन तो दीवाना था शफक का, शफक भी बहुत इंटरेस्टेड थी उसमें। ये रिश्ता जरूर हो जाता अगर अंकल को एतराज ना होता। असल में शफक के वालिद हसन की वालदा को पसंद नहीं करते थे। मुझे तो हैरत हो रही है उस शख्स पर, अब भी इतनी डिटाई से फोन कर रहा है। और शफक, जब तुमने उसे ये बताया कि हसन की कॉल है, तो उसका क्या रिएक्शन था? उसका क्या रिएक्शन होना था, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह बात हो जाए, बेताब हो रही थी बहुत। मुझे पूरा यकीन था तुम यही कहोगे, अच्छी तरह से जानती हूँ शफक हसन की मोहब्बत अभी तक अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। बातों ही बातों में अक्सर हसन का जिक्र करती हूँ मुझसे। और ये सारी बातें तुम मुझे अब बता रही हो? पहले बता देती तब भी तुम क्या कर लेते? मैं शफक से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये। बहुत भोले हो तुम आज, दुनिया की परख ही नहीं है तुम्हें। अब ये चलने कूदने से क्या फायदा, तुम अपना ही नुकसान करोगे। और देखो, जब उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है तो तुम क्यों उसकी फिक्र कर रहे हो? गुस्सा आ रहा है मुझे उसे। आसिर, तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? अच्छा ये बताओ, खाना खा के आए हो या फिर भूखे ही आ गए हो? ऑफिस से सीधा इधर आ गया हूँ, शफक कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी लेकिन रिप्लाई नहीं किया मैंने। फिलहाल के लिए तो तुमने ठीक किया। अच्छा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो बाहर चलते हैं खाने के लिए, बच्चे भी सो रहे हैं, चलें। बाहर जाके क्या करेंगे, घर में जो भी पका है वो ले आओ ना। अब नहीं,
बाहर चलते हैं ना। अब देखो तुम्हारा दिल भी तो बहल जाएगा। वैसे भी ये बातें सुन के मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। बहुत घुटन का एहसास हो रहा है यहाँ। चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। कम ऑन आसिर, चलते हैं ना, आ जाओ। नहीं, क्या हो गया आज़र को? कल से गुस्से में मेरे फोन भी नहीं उठा रहे। अंजी को फोन करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुआ, मैं शफक बात कर रही हूँ। अंजी से बात हो सकती है मेरी? अंजी बीबी तो घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उसके फ़ोन पे कॉल कर लेती हूँ। रहने दे बीबी, मेरा ख्याल है वो आपकी कॉल नहीं लेंगी। क्या मतलब मेरी कॉल क्यों नहीं लेंगी? आपके मियाँ साहब के साथ जो गई हैं। आशा के साथ कहाँ? मेरा ख्याल है खाना खाने गए हैं। खाना खाने? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ? वो तो अक्सर आपके शौहर के साथ शॉपिंग करने और खाना खाने जाती हैं। बुआ, आपको एहसास भी है आप अपनी बेगम साहिबा के लिए कितनी गिरी हुई बात कर रही हैं? बीबी मैं तो आपको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अपना घर टूटने से बचा लें। लेकिन अंजी के बच्चे हैं, वो मैरिड है। आपकी मर्जी है बीबी। मैंने तो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर सच बोल दिया। अगर आप अपनी आंखें बंद रखना चाहती हैं तो कोई क्या कर सकता है। खैरियत ना होती तो फिर मैं भलाई ने यहाँ क्यों बुलाती? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ये अभी मुझे डॉक्टर के पास ही लेके जा रही। क्या अंजी वाकई बीमार थी? नहीं, वो चेहरा किसी बीमार का नहीं था। और फिर अंजी के कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि मैं शक का शिकार हो रही हूँ। नहीं शफक, तुम शक का शिकार नहीं हो रही। तुमने तो बस अंजी को पहचानने में थोड़ी देर कर दी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज़र आज भी तुम्हारे हैं और कोशिश करो कि वो तुम्हारे ही रहें। तुम्हें कुछ भी करके उन्हें अंजी के जाल से निकालना होगा शफक। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा भाभी। अच्छा हम कुछ सोचते हैं, तुम फिक्र नहीं करो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारा घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू भाभी,
हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने हमेशा आपको गलत ही समझा है। नहीं शफ़क, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हाँ जी, जाली ऐसा बुनती है कि उसकी हकीकत कोई नहीं देख पाता। और तुम्हारी आंखों में तो उसने अपनी बेलौज दोस्ती और मोहब्बत की पट्टी बांध रखी थी। खैर शफ़क, अब तुम्हें बस ये कोशिश करनी है कि तुम आज़र को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ना, और अंजी को इस बात का शक नहीं होने देना कि तुम्हें उस पर शक है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। किससे बात कर रही थी? मैं, ये तो कराची का नंबर है। आसान से बात कर रही थी तुम? आज़र, मैं भाभी से बात। बकवास बंद करो। बेहया औरत, मेरे पीछे ये खेल खेला जाने, आसान से बात कर रही हो तुम? आज़र, मैं सच कह रही हूँ, मैं भाभी से बात। झूठ मत बोलो, तुम्हारी हकीकत अच्छी तरह से जान गया हूं। अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी बीवी कहला सको। आज़रिया, आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं भाभी से ही बात कर रही थी। मेरा फोन चेक कर लें आप। आज़र, मैं सच कह रही हूँ, मेरी